बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट की कमान इस वक्त हीना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान के हाथ में। ये तीनों सीनियर्स किसी भी कंटेस्टेंट को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। हालांकि कई कंटेस्टेंट तो इनकी बात भी नहीं मान रहे, जिसकी वजह से किस कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया जाए और किसे बचाया जाए, इसमें तीनों सीनियर्स दुविधा में फंस गए और आपस में बहस करने में लगे। जहां गौहर और हीना का सेम ओपिनियन है, तो वहीं सिद्धार्थ इन दोनों से बिल्कुल अलग है। सिद्धार्थ अपने फायदे के लिए निक्की तंबोली का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें ही बार बार बचा रहे हैं। वहीं हीना और गौहर मुद्दा देकर कंटेस्टेंट का चुनाव कर रही हैं। सिद्धार्थ अपनी ही दोनों साथियों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हीना खान सिद्धार्थ से हारने वाली नहीं है। कई बार सिद्धार्थ ने गौहर की तो बेइज्जती की लेकिन वो हीना की बेइज्जती नहीं कर पाए, बल्कि उल्टा अपनी ही वो बेइज्जती करा कर मुंह छुपा कर बैठ गए। हीना ने उल्टा सिद्धार्थ की औकात दिखा दी। शो में ही हीना कई बार सिद्धार्थ के लाते मारती नजर आई। कई बार उनसे कहती थी कि बिग बॉस के विनर बनने के बाद तुम्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया, अब तो तुम्हें कहीं काम भी नहीं मिलता होगा। सिद्धार्थ ने बहुत कोशिश की कि वो हीना को अपनी मुट्ठी में दबा लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सिद्धार्थ कई बार हीना के साथ हाथापाई करते दिखे, कभी ब्रश करती हीना पर हाथ चलाने लगते हैं तो कभी शांत बैठी हीना को थप्पड़ मार देते हैं, और हीना हर बार ईंट का जवाब पत्थर से देती दिखी। सिद्धार्थ ने पिछली बार शहनाज गिल से हाथापाई की थी, लेकिन शहनाज हार कर बैठ जाती हैं, लेकिन हीना नहीं मानी। जितनी बार सिद्धार्थ ने उन्हें मारा, उतनी बार हीना ने भी सिद्धार्थ को लातों घूसों से मारा। कई वीडियोस में हीना तो सिद्धार्थ को बुरी तरह लातों से मारती दिखी, कहती भी दिखी कि सॉरी बोल वरना तेरा बुरा हाल करूंगी। हीना और सिद्धार्थ की हाथापाई की एक झलक आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मेरा न्यूज़ रिपोर्ट।